हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत दिनों से चैनल पर कोई अच्छा वीडियो नहीं आया है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रैवल वीडियो बनाकर डाल दिया जाए। तो फिलहाल मैं हूं अभी राजस्थान के एक छोटे से शहर रानी में, जो कि जोधपुर से लगभग 120 किलोमीटर डिस्टेंस है और पाली से लगभग 43 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो फिलहाल हम अभी रानी आए थे और रानी में जो भी काम था मैंने ख़त्म कर लिया है और ख़त्म करके हम लोग वापस से पाली जा रहे हैं। और एक बात जरूर पूछना चाहूँगा यार, अगर मेरे वीडियो में कोई कमी दिखती है ना भाई, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि मैं उस चीज़ के ऊपर काम कर सकूँ और उस गलती को करेक्ट करके ठीक करके आगे बढ़ सकूँ। आई होप कि आप सब जो भी गलतियाँ देखेंगे नोटिस करके उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, ताकि मैं उसके ऊपर काम कर सकूँ। तो चलिए आज की जर्नी यहीं से स्टार्ट करते हैं। गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है राजस्थान में और आप लोग जानते हैं राजस्थान की गर्मी कैसी होती है, तो पानी की तलब बहुत ही ज़्यादा आती है दिन भर के अंदर। तो अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए एक बोतल हमेशा अपने साथ में पानी रखो। तो भैया ये वाला हेलमेट मैंने दो दिन पहले लिया, क्योंकि अभी जो इस कंपनी में लगाऊँ भाई, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टूर करना पड़ रहा है। तो आप कमेंट करके बताना कि हेलमेट कैसा है। मैंने अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लिया है, वेगा का। और पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर वेगा देखे लिख सकता है, दोनों तरफ आगे और पीछे ब्रांडिंग का लोगो किया हुआ है। और हेलमेट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और यहाँ पर एयर पास के लिए ये बटन दिया गया है और इसका लॉक वगैरह भी बहुत ही शानदार है। 1300 रुपये का हेलमेट पड़ा है। कमेंट करके बताना कैसा हेलमेट है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ये मेरी बाइक खड़ी है और बाइक में फ्यूल नहीं है, और फ्यूल मुझे 10 किलोमीटर के बाद मिलेगा फ्यूल स्टेशन, जाकर मुझे फ्यूल भरवाना ही पड़ेगा। अगर नहीं भरवाया तो रास्ते में कहीं भी फंस सकता हूँ। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। वैसे अगर आप राजस्थान में कहीं भी चले जाएंगे तो रोडें आपको मक्खन की तरह मिलेगी। आप जितनी चाहे मर्जी अपनी गाड़ी को स्पीड भगा सकते हैं। ये तो फिलहाल 4 लेन है, नेशनल हाईवे है, तो इनकी तो बात ही अलग है भाई। थोड़ा सा भी लापरवाही बरती मतलब कि कुछ हादसा हो सकता है, होने की संभावना हो जाती है। और रोडें जिस तरह देख सकते हैं गाइस, वैसे शाम होने की चली है और अब हम लोग पाली पहुंचने वाले थोड़ी देर में, और अंधेरा हो गया है ऑलरेडी। सूरज अभी देख सकते हैं, जैसे कि सूरज अभी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सूरज की लाली मुझे दिखाई दे रहा है और अंधेरा होने को चला है। तो पाली में मैं लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर हूँ पाली से, 10 से 15 मिनट में पाली पहुँच जाऊँगा ऑलमोस्ट। अंधेरा हो गया है और अंधेरे में आपको पता है कि मेरा कैमरा शूट नहीं कर पाता है, तो हम लोग यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं हमेशा के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, बाय बाय।